Hey, what's up, lovely people? Welcome back to my channel. Welcome back to another video, बोलते बड़ी. Because ये सब video मतलब ये सब video मैं नहीं करता हूँ क्योंकि करना पड़ रहा है. क्योंकि सबको पता है lockdown है भाई. Creators लोगों को content नहीं मिल रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, गाड़ी का mod करवा नहीं पा रहा हूँ. तो क्यों ना आप लोगों को एक यूज़र रिव्यू और कंपैरिजन वीडियो दिखा दिया जाए. जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा है कि मैं मीवी थंडर बीट्स और ये बोट ट्रॉकर्स 255R का कंपैरिजन करने वाला हूँ. सो पहले मैं ये चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि पिछले वीडियो में मतलब मेरा जो मीवी डुओ पॉड्स का अनबॉक्सिंग वाला वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो गाड़ी का आएगा, गाड़ी दिखाऊँगा मैं, मेरा गाड़ी किस हालत में है वो दिखाऊँगा और उसका एक मॉड है वो करने वाला हूँ मैं. तो वो नहीं हो पाया, वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सैटरडे को मैं और ये जो मॉड है, जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जो मॉड्स करता हूँ वो मैं अनिल के साथ घर पे करता हूँ. तो ये जो मॉड है वो बहुत ही अलग लेवल का होने वाला है, तो ये घर पे पॉसिबल नहीं है. तो मुझे गैरेज में जाना पड़ेगा ये मॉड के लिए. तो मैं और अनिल गैरेज में गए थे सैटरडे को, वही गैराज जो आपने वो i20 मेरा i20 का सर्विस वाले वीडियो में देखा था, जो मैं वीडियो बनाया था 3500 में i20 का सर्विस, उसी गैराज में मैं जाने वाला था. मैं और अनिल गए थे वो गैराज में सैटरडे को, लेकिन वो गैराज में बहुत ही मतलब बहुत ही रश था, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रखे थे सर्विसिंग के लिए, ठीक होने के लिए. तो अभी अनिल थोड़ा बिजी है अपने काम पे, उसका थोड़ा अपना पर्सनल काम है और मैं तो भाई बैठा हूँ वेला आदमी. तो वो दोनों जब फ्री होंगे तभी ये मॉड पॉसिबल हो पाएगा. अनिल को मैंने बोल दिया है वो जब भी फ्री होगा आ जाएगा, गैराज वाले को कॉल करके आ जाएगा. अगर वो दोनों फ्री रहेंगे तो शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉड देखने को मिल जाएगा. तो गुरुजी के स्टाइल में करते हैं वीडियो को स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं. Welcome to my channel Soms Lifestyle. Subscribe, turn the notification bell on. Follow me on Instagram @invalid.username404 for crazy lit pictures and updates about my cars and lifestyle. Thank you. तो मैंने मीवी टी बीट्स का भी अनबॉक्सिंग कर रखा है, बोट रॉकर्स 255R का भी अनबॉक्सिंग कर रखा है. तो दोनों वीडियो जाके देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लिंक आ रहा होगा अभी. और पहले ही बता दूँ प्राइसिंग का, तो मीवी टी बीट्स मुझे कॉस्ट किया था 1500 रुपीज़ का और ये बोट प्रॉपर 255R कॉस्ट किया था 1700 रुपये का. अभी मीवी टी बीट्स का दाम शायद गिर गया होगा, शायद 1000 रुपीज़ या 1200 रुपीज़ का मिल रहा है ये मीवी टी बीट्स. तो हो गया तो प्राइस का बात, ये 1500 का, ये 1700 का. देन आते हैं सेकेंड में, वो है पैकेजिंग. तो मीवी टी बीट्स का बक्सा मुझे मिल गया है, लेकिन बोट 255R का बक्सा मुझे नहीं मिला. तो उस चीज़ को माइंड मत करना. तो पहले ही बता दूँ बॉक्सिंग का जो पैकेजिंग है भाई मीवी का, वो अलग लेवल का है. मतलब ये मटेरियल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल है. जैसे कि अंदर देख पा रहे हो ये थर्मोकोल से बना हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छे से मीवी टी बीट्स को होल्ड करता था. और ये मीवी टी बीट्स के साथ मुझे दिया था मीवी का एक पाउच केस, जिसमें अभी मेरा एक्सटर्नल माइक्रोफोन रखा हुआ है. ये पाउच केस बहुत ही हैंडी है. सो 1500 रुपये में इतना कुछ मिल रहा है, लेकिन 1700 का बोट का 255R में पैकेजिंग मिला था मुझे कागज़ का, जो एकदम सही ऐसा वाला पैकेजिंग होता है, ऐसा वाला पैकेजिंग मिला था. और अंदर एक प्लास्टिक था, प्लास्टिक के अंदर वो बोट प्रॉपर 255R रखा हुआ था. तो बोट नॉट फेयर. थर्ड आते हैं हम बिल्ड क्वालिटी पे. बिल्ड क्वालिटी पे पहले ही हम बात करेंगे, ये जो देख पा रहे हो आप चार्जिंग पोर्ट है इसका. तो मीवी का अभी भी देखिए, मीवी मैं बोलता हूँ कि मीवी मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया. जब भी मैं बाहर जाता था साइकिल लेके, मैं मीवी को टांग के कान में हेडफोन लगा के हर वक्त साइकिल चलाता था. और मीवी को मैंने बहुत ही रफ यूज़ किया है, तो अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है. और मीवी के बहुत बाद मैंने बोट लिया था, ये ऑलरेडी एक बार ख़राब हो चुका था, इसको रिप्लेस करवा दिया बोट ने, फिर से ये ख़राब हो गया. अभी बोट कह रहा है कि रिप्लेस नहीं करूँगा, तो इसको अनिल ने ही ठीक कर दिया है. तो अभी कुछ दिन, कितना दिन चलता है ये मैं वो देखूँगा, फिर आपको बताऊँगा. तो आते हैं हम चार्जिंग पोर्ट की तरफ. आप जैसे देखते हैं इसका कवर जो है अभी तक है,
मैं चार्ज में बैठा था वो बार बार बहुत ही मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो चार्ज में बैठा था वो कुछ नहीं हुआ है, ये एज इट इज़ है। मैं उसको जब भी रखता हूँ तो ऐसे दबा के रख देता हूँ, ये क्लोज़ भी हो जाता है। और फिर आते हैं बोट की तरफ। बोट की तरफ आप देखोगे तो ये देखो, बोट का भी ये कवर आता था जो कि खोलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था। ये कवर किधर गिर गया मुझे भी नहीं पता। तो एक तो बिल्ड क्वालिटी का लॉस इधर हो गया। और मीवी बना है, मीवी जो क्लेम करता है कि ये गन मेटल से बना है, ठीक है। और ये मैग्नेट का भी देखो आप कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इधर से ऐसे लॉक हो जाता है, ठीक है। और इसका मैग्नेट देखो आप, बहुत पास लाना पड़ता है फिर जाके ये मैग्नेट पकड़ता है, ठीक है। और ये बहुत ही लूज टाइप का मैग्नेट है। ईयरबड्स, नो डाउट के बोट्स के ईयरबड्स बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छी तरह से कान में घुस जाते हैं, ये भी लॉक हो जाता है। लेकिन मीवी का कभी कभी ईयरबड्स दिक्कत करता है, ये ईयरबड्स उतना अच्छा नहीं है, ये कान में जो घुसता है तो कभी कभी ये नहीं भी घुसता है, कभी कभी बाहर निकल जाता है। तो ये मीवी का माइनस वन हो गया इधर। तो फिर आते हैं हम बटन्स की तरफ। मीवी का बटन्स आप देख पा रहे हो तो बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मटेरियल है, ये बहुत ही अच्छा है। और ये बोट्स का बटन की तरफ आप देखोगे तो इधर साइड वाइड से गैप हो रखा है और ये अंदर भी चला गया है। तो बटन्स बोट के अच्छे नहीं हैं। फिर आते हैं हम यूज़र कन्वीनियंस के तरफ। तो बोट कभी कभी दिक्कत करता है कनेक्शन लेने में, कनेक्ट होने में, लेकिन मीवी इसको ऑन किया, उसका ब्लूटूथ ऑन किया, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। और इसको मैं टीवी के साथ ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, फिर भी ये कनेक्शन में बहुत दिक्कत देता है कभी कभी। फिर आते हैं साउंड क्वालिटी की तरफ। साउंड क्वालिटी की तरफ आता है तो बोट का साउंड ज़्यादा है, कंपेयर करूँगा मीवी से बोट का साउंड बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन बोट का साउंड कान में चुभता है, ठीक है भाई। बोट का साउंड मतलब आवाज़ जो बेस होता है वो कान में चुभता है। और मीवी का एक टेक्नोलॉजी है डीप बेस, आवाज़ थोड़ा सा दब जाता है लेकिन डीप बेस का जो इफ़ेक्ट आता है ना बॉस, वो इधर लगता है धक धक करके। तो ये बहुत ही अच्छा है साउंड क्वालिटी की तरफ से। और प्लेबैक टाइम, मीवी का प्लेबैक टाइम मैंने कंटिन्यूस यूज़ करके देखा है, ये कंटिन्यूस 100% वॉल्यूम पे 5.5 घंटा इजीली चल जाता है। मैं जब ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर का, मैं जब ट्रेन में गया था तो ट्रेन में मुझे रात को नींद नहीं आता है, तो मैं मीवी यूज़ कर रहा था 5.5 घंटा ये चला पूरा एकदम 100% वॉल्यूम पे, मैं सिनेमा मूवी देख रहा था। फिर मैं जब गाना चलाया 100% वॉल्यूम में बोट पे मीवी को चार्ज में दे के, तो ये बोट चला सिर्फ 4 घंटा। तो ये बहुत ही मतलब बैटरी की टाइम से घटिया है प्लेबैक टाइम से। ये चार्ज होने में भी 1 घंटा लगता है लेकिन मीवी आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और फिर आते हैं रफ़ यूज़ेज का मैंने पहले ही बता दिया कि मीवी को बहुत रफ़ यूज़ किया है, मैं इसको बहुत सोफिस्टिकली मैं हैंडल करता हूँ, लेकिन फिर भी इसका ये बटन टूट गया है, एक बटन घुस गया है अंदर और 2 बार ख़राब भी हो चुका है। मैं मीवी को बाहर लेके जाता हूँ, बहुत रफ़ यूज़ करता हूँ, मतलब हर टाइम ये मेरे डो पॉड्स तो अभी रिसेंटली लिया है मैंने, डो पॉड्स के पहले हर वक्त मीवी मेरे गले पे लटका हुआ रहता था। तो मीवी को बहुत मैंने रफ़ यूज़ किया है और बोट से काफ़ी हद तक ज़्यादा मैंने मीवी को यूज़ किया है। तो मीवी इज़ वे बेटर, और मीवी कभी ख़राब भी नहीं हुआ है, कभी कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, अभी भी फुल साउंड में आप चलाओ विदाउट एनी डिस्टॉर्शन 1 साल के बाद बहुत ही अच्छा बजता है। लेकिन इसमें डिस्टॉर्ट होता है और राइट का ईयरबड 2 बार ख़राब हो चुका है, 1 बार बोट ने रिप्लेस करके दिया और 1 बार अनिल ने ठीक कर दिया, अभी बोट मना भी कर रहा है रिप्लेस करने से। तो दिस वॉज अ शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, गाड़ी का मॉड आने वाला है। सो इफ़ यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, टर्न द नोटिफिकेशन बेल ऑन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, follow me on Instagram @invalid.username404. As always, I'm at the end of today's video. I look forward to seeing you next video real soon. Bye bye.